एकता कपूर के नागिन में कौन है आपको क्या लगता है? रोज कोई ना कोई नई खबर आती है, तो अब एक फिर से खबर आ रही है। क्या है वो खबर, मैं आपको बताती हूँ फिल्म विंडो पर। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। हिना बनेगी नागिन, दिव्यांका त्रिपाठी बनेगी नागिन, आसिम, पारस, शिविन नारंग, रोज नया नाम आता है। लेकिन पारस ने आज एक खुलासा किया है। दरअसल पारस ने एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि नागिन 5 को लेकर उनके नाम की चर्चाएं कैसे और कब शुरू हुई। फिल्म विंडो ने भी आपको बताया था कि वो नागिन 5 कर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि मैंने आपको ये बात का दावा किया था कि हमें जो है ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है कि उनको जो है बोला गया है, और इस बात को अब पारस ने भी कंफर्म किया। मैं बताती हूँ पारस क्या बोल रहे हैं। पारस कहते हैं कि हाँ, मुझे जो है नागिन 5 के लिए प्रोडक्शन की टीम से फ़ोन आया था, लेकिन उसके बाद कोई आगे डिस्कशन ही नहीं हुई। और उसके बाद वो बोलते हैं कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगे जो है कम्युनिकेशन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो मुझे बोलते हैं या वापस फ़ोन करते हैं तो यस, मैं देखता हूँ फिर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को डिनाई नहीं किया है कि उनको फ़ोन नहीं आया था, या एकता नहीं चाहती थी कि पारस हो। ये बात कंफर्म है कि पारस को जो है नागिन 5 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन एक बार फ़ोन आया, उसके बाद नहीं आया। हो सकता है कि एकता को जो है कोई और, क्योंकि क्या होता है जब कास्टिंग होती है ना, हम बहुत सारे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कॉल्स करते हैं, कभी कोई एक्टर अवेलेबल है, कभी कोई नहीं है, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं जो आपको लगता है कि उस कैरेक्टर में सूट होगा। अब जो है शिविन नारंग की खबरें आ रही हैं कि शायद शिविन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी डिनाई नहीं किया रिपोर्ट्स को, बल्कि कहा कि चीज़ें जब फाइनलाइज होंगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हो सकता है, क्योंकि जब पारस को कॉल गया था उस समय बेहद 2 बंद हो रहा है, इस बात की खबरें नहीं थी। उसके बाद खबर आई कि बेहद अब नहीं है, शिविन के पास भी काम नहीं था। तो हो सकता है कि उनको जो है कास्टिंग ने कॉल किया हो, कांटेक्ट किया हो। हालांकि खबर अभी भी कंफर्म किसी को लेकर नहीं है, लेकिन पारस को फ़ोन आया था, चाहते थे, अगर मैं कहूँ तो बालाजी टेलीफिल्म चाहती थी कि वो नागिन में लीड एक्टर बनकर आए, और इस बात को अब खुद पारस ने भी कंफर्म किया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि लीड एक्टर कौन हो सकता है नागिन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, इसको इसमें काम करना और उस सक्सेस को आगे ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।